सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को पंकज भट्ट का नमस्कार। विभाजन पूर्व भारत की धरती पर 11 दिसंबर 1922 को जन्म लेने वाला पेशावर शहर का नाम देश भर में चर्चित करने वाला बालक यूसुफ खान, जिनके पिता लाला गुलाम सरवर थे, ने बड़ा नाम कमाया और क्या खूब उसके अंदर ज्वार भाटा फूटा, वो भी अपने अनोखे अंदाज में। 1944 से अभिनय की दुनिया में आया और महज 5 वर्षों के अंतराल में महबूब खान के अंदाज से चर्चित हो गया। पूरे देश में जुगनू की तरह चमकते हुए फिल्म इंडस्ट्री में स्टार कलाकार की श्रेणी में शामिल हो गए। जुगनू 1947 की फिल्म थी। वहीं लोगों ने भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उनका वर्ष 1951 में खूब दीदार किया। 1955 में देवदास बनकर प्रेम में विरह की गंभीर भूमिका अदा की, जो देश दुनिया में खूब शोहरत पाई। दुनिया में लोगों के दिलों को जीतने के बाद 1960 में मुगले आजम में राजकुमार जहांगीर की भूमिका ने तो उनकी जीवन की एक अलग ही पटकथा लिख दी। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसी और की बात नहीं बल्कि अभिनय के उस जादूगर की बात कर रहा हूं, जिसने 80 के दशक में कर्मा, क्रांति जैसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत फिल्में देकर हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान देकर कहलाए थे दिलीप कुमार। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े काफी सारे किस्से हैं उनके, लेकिन मैं उन किस्सों के तरफ आपको लेकर के नहीं जाऊंगा। आइए हम चलते हैं कि उनके विवाह के विषय में बात करते हैं। उनका विवाह अपने से 22 वर्ष छोटी मशहूर अदाकारा सायरा बानो से हुआ था। कहा जाता है कि उनका संबंध बेहद एक दूसरे के लिए खास रहा। सायरा बानो 13 वर्ष की उम्र से ही इस ट्रेजेडी किंग की दीवानी थी, जबकि दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी कौन नहीं जानता। निम्मी, कामिनी कौशल के नाम भी इस महानायक के नाम के साथ जुड़ता रहा है।